हे गाइस, वेलकम टू दीप शिंदे फोटोग्राफी। तो आज का ट्यूटोरियल कुछ इस तरह से डबल एक्सपोजर पर होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखो। और अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और हमारे पुराने वीडियो वो जाके आप चेक कर लो, उसमें भी बहुत सारे आपको कुछ सीखना मिलेगा उसमें भी। तो हम आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो APHD में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, इस PhD का, तो आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लो। तो सबसे पहले मैं टेक्स्ट रहने देता हूँ इधर, वर्ड्स और ये बैकग्राउंड तक मैं डिलीट करता हूँ। इसका साइज लिया है हमने, वेट है 15 और हाइट है 20, तो ये दो पिक्स है, इसे आज हम यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं इसका एक कॉपी बना लेता हूँ कंट्रोल जे के सहारे, और सिलेक्टिव कलर लेके इसके फेस से रेड टोन कम करता हूँ, इसको मर्ज करता हूँ अभी और रिटच करता हूँ। रिटच के वीडियो मैंने पहले भी डाल दिए, वो आप जाके चेक कर सकते हो मिक्सर ब्रश के। हाई पास का अभी डाल दिया है मैंने ब्राइड का, वो भी आप यूज कर सकते हो। तो मैं अभी फास्ट रिटच करता हूँ इधर, ज्यादा हेयर वगैरह निकलने की जरूरत नहीं है मिक्सर ब्रश यूज करते हो। तो इसके सारे सब निकल जाता है हेयर वगैरह। अभी इसको हमने रिटच कर लिया है, तो इसको थोड़ा कैमरा रॉ में जाके एडजस्ट करते हैं। इसकी थोड़ा कंट्रास्ट बढ़ा देता हूँ, एक्सपोजर को भी बढ़ाता हूँ, येलो टोन ऐड करता हूँ, थोड़ा क्लैरिटी को थोड़ा बढ़ाता हूँ, ओके करता हूँ। अभी सीधा हम जाएंगे सिलेक्ट सब्जेक्ट पर, क्विक सिलेक्शन पर क्लिक किया है पहले, सिलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करता हूँ, ऑटोमेटिक सिलेक्ट कर देगा। अभी ये थोड़ा टाइम लेता है सिलेक्शन में, तब हमको अभी जूम करके देखना होगा सब, कहीं पे पार्ट सिलेक्ट तो नहीं ना हुआ, वो देखना है हमें। अब हमको कंट्रोल जे के सारे इसकी कॉपी बना लेनी है। ये हमारा कट हो गया इधर फोटो, तो दूसरे फोटो पे जाते हैं हम। इसको भी ऐसे ही करना है, रेड को कम करना है हमें, कंट्रोल जे करना है, मिक्सर ब्रश लेके सीधा फेस पर घुमाना है। सब हम ऐसे निकाल देंगे, हेयर वगैरह है उस पर ज्यादा घुमा देंगे। हैंड की कोई जरूरत नहीं क्योंकि पिक्स कट होने वाला है ऊपर से। तो अब मैं फिर से क्विक सिलेक्शन में जाके सिलेक्ट सब्जेक्ट करता हूँ। अब राइट क्लिक करके सिलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करता हूँ, ताकि इसके हेयर ज्यादा बाहर आए हुए हैं उसको कट करना
थोड़ा प्रॉब्लम होता है इसके लिए। जिधर जिधर व्हाइट दिख रहा है आपको वो दो नंबर का टूल है रिफाइन एज का, उससे आपको हेयर से हेयर के बाहर के बाजू से ब्रश घुमाना है। तो मैं अभी ओके करता हूँ, कंट्रोल जे के सारे इसका भी एक पीएनजी रेडी हो गया अभी। तो मैं इस फोटो को पहले इधर लाता हूँ, फिर से इसको लाता हूँ ड्रैग करके सीधा ऊपर वाले फोटो को इसके नीचे लेता हूँ। बर्ड का ही आ गए, सॉरी। इसको हम नीचे से इरेज कर देंगे, फ्लो को रखेंगे 85। इसको अभी ब्रश को हम बड़ा कर देंगे और नीचे से कट कर देंगे। इसको अभी हम बड़ा कर देंगे। अब हमें करना है बैकग्राउंड ऐड, तो सबसे पहले मैं ये बैकग्राउंड डालता हूँ, ऊपर से इतना रखता हूँ। इसको कर देंगे बॉक्स ब्लर, ज्यादातर डबल एक्सप्लोर करते समय बॉक्स ब्लर ही ऐड कर दो। बॉक्स ब्लर से अच्छा लुक आता है बैकग्राउंड में, ये देखो आप। तो अब हमें दूसरा बैकग्राउंड इसके ऊपर ऐड करना है, वो होगा रोड का। इसको मैं अभी शिफ्ट प्रेस करके बड़ा करता हूँ इधर। अब इसको अभी बॉक्स ब्लर डाल देंगे हम, इसको अभी हम डाल देंगे 10 डाल देंगे और इसको ऐसे नीचे लाते हैं, ऊपर से ऐसे इरेज कर देंगे हम। इतना ठीक है। अब तो इस पिक्चर को ऊपर वाले ल्यूमिनिसिटी ऐड कर देंगे और इसका फिल कर देंगे 72। ठीक है, इसको थोड़ा इरेज करता है और इतना हो गया। अब ये बीच वाले फोटो को हम थोड़ा बड़ा कर देंगे, सेंटर के पॉइंट में लाते हैं इसको। इसका एक कंट्रोल जे के सारे कॉपी बनाते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करके इसकी लाइट टेन इसको कम कर दिए। अब कंट्रोल डी प्रेस करके राइट क्लिक करके डिस्टॉर्ट पर क्लिक करके इसको थोड़ा ऐसा शेडो लाते हैं। इतना ठीक है। अभी इसकी फिल हम कर देंगे कम, और इसको थोड़ा हम कर देंगे गाशन पर डाल देंगे इसके ऊपर। गाशन पर कम से कम 4.5 तक डाल देंगे, अंदर की तरफ लाते हैं। अब एक एम्प्टी लेयर लेके ग्रेडियंट डाल देंगे, ब्लैक कलर का ग्रेडियंट नीचे से ऊपर लाना है आपको। इतना ठीक है। अभी अभी मैंने टेक्स्ट ऐड किए थे वो ऐड करता हूँ, ये आपको पीएचडी में मिल जाएंगे नीचे। पीएचडी जल्दी डाउनलोड करना, मैं ड्राइव क्लियर करता हूँ। फिर से आप कमेंट करते हो कि पीएचडी नहीं मिला, तो इसके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। अभी हमारा ये पैक रेडी हो गया है, ये बर्ड से ये डाल दूंगा। अभी आपको कलर बैलेंस को एडजस्ट करना है, ब्लू को थोड़ा ऐसे पेट आपको रेडी करने, आपके पिक्स के कलर पर एडजस्ट करना पड़ता है आपको। मिड टोन शेडो, शेडो हम रेड डाल देंगे तो उसके फेस पर रेड आ जाएगा थोड़ा, तो अच्छा लग रहा है। इतना ठीक है। अभी इधर हम सनसेट ऐड कर देंगे,
ए लाइट में इधर ऐड करता हूँ, इसको स्क्रीन करता हूँ अभी, इसको बड़ा कर देंगे, इधर रेड टोन आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे लाता हूँ, इस कंट्रोलर यू करके हम इसके ह्यू को चेंज कर देंगे थोड़ा, और इसके ऑपेसिटी अभी थोड़ा कम करते, इतना ठीक है। तो ऐसे वीडियो के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरे इंस्टा आईडी को भी फॉलो कर दो। थैंक यू सो मच।